बलिया के मशहूर शायर व समाज सेवी अरशद हिंदुस्तानी को मुंबई में किया गया सम्मानित। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बलिया के मशहूर शायर व समाज सेवी अरशद हिंदुस्तानी को मुंबई में सम्मानित किया गया। बलिया से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक 1200 किलोमीटर समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा पूरा करने के उपरांत मुंबई के मुंब्रा में रहने वाले समाज सेवी डॉक्टर मुमताज शाह ने सम्मानित किया। समाज सेवी डॉक्टर मुमताज शाह ने शिक्षा एक समान की मांग का समर्थन किया और आगे भी इससे जुड़े रहने की बात कही। कहा कि सांसद विधायक का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाकर खिचड़ी खाएगा, उन बच्चों के साथ शिक्षा लेगा, तब सांसद विधायक को शिक्षा की गुणवत्ता का पता चलेगा। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर मुमताज शाह जनाब शोएब खान महफूज मामा एवं हंगामा शायर मौजूद रहे। से लेकर दिल्ली तक साइकिल यात्रा 1200 किलोमीटर की इन लोगों ने, शिक्षा एक समान हो, इनकी मांग ये है कि पूरे देश के अंदर जो शिक्षा का जो एजुकेशन का सिस्टम वो एक जैसा, इनकी मांग है। हर चीज की लोग मांग तो करते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी बुनियादी और जरूरी चीज है कि अगर वो एक समान हो जाए, जिस तरीके से संसद विधायक MLC टीचर्स इनके बच्चे जो है जो एजुकेशन लेते हैं, वहीं एक गरीब आदमी किसान आदमी मजदूरी करने वाला आदमी ठेला चलाने वाला आदमी टेम्पू चलाने वाले आदमी का भी बच्चा वैसे ही एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। नेता लोग सरकारी स्कूलों में जाके खिचड़ी तो खा लेते हैं, लेकिन कभी उस गरीब बच्चों के साथ बैठ के, लेकिन अगर उस सरकारी स्कूल में खिचड़ी उपलब्ध है तो उनका भी बच्चा उसी सरकारी स्कूल में बैठ के खिचड़ी खाएगा तो एक जैसा महसूस होगा। तो जब हमारा देश एकता की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। इसी की मांग इनकी पूरी टीम राधे श्याम के नेतृत्व में अरशद हिंदुस्तानी, इन लोगों ने जो मांग की इसका हम समर्थन करते हैं, वेलकम करते हैं। ये जो काम किए हैं और ये लोग जो है आज बॉम्बे में अरशद सिद्दीकी यहाँ आए, ये अरशद यहाँ तशरीफ ले आए थे, हम इनका इसी चीज़ को देखते हुए हमारी पूरी टीम शोएब खान साहब यहाँ मौजूद है, हंगामा साहब मौजूद है, राज भाई हमारे दोस्त मौजूद है, उन लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की।